जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जो मेरा नेचुरल गेम है मैं उसी पे टीम में आया हूँ और वो मैं अपना छोड़ नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही है मेरा, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करूँ। ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की जगह हर वक्त मौजूद होती है, चाहे आपके फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं प्रोसेस में रहूं और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचूं, बिकॉज रिजल्ट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो मेरी प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस होता है और उसमें मैं इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहा हूँ और अपना गेम खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, क्या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमको आपके साथ तैयारी के हवाले से, क्या आप आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, क्या वर्ल्ड कप के लिए इस टूर के लिए आप अच्छी तरह प्रिपेयर हैं? जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत क्रिकेट हम खेल चुके हैं अभी PSL के बाद, और अभी हमारे दो सीरीज और है, तो प्रिपरेशन का हिस्सा है। और जिस तरह से टीम का एनवायरनमेंट है, हमारा कोच भी आए हैं नए, हमारी उनसे बात भी हुई है, और जिस तरह प्लेयर्स आपस में जेल है, तो इन आउटसाइड द ग्राउंड और इनसाइड ग्राउंड दोनों में बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, प्रेशर तो हमेशा होता है, चाहे प्लेयर 100 मैच भी खेल जाए उसके बाद भी वो मैच खेलेगा तो उस पर प्रेशर होता है, उसको हैंडल करना एक डिफरेंट चीज़ है, और वही मैंने अपने प्रोसेस में मजीद ऐड करता जा रहा हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में। सईद अजमल जो है वो ऑफ स्पिन बॉलिंग में है और आपने PSL में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इंटरनेशनल में आप कम देखने में आ रही है आपकी बॉलिंग, बिल्कुल ये तो कैप्टन पे डिपेंड करता है एंड कोच पे, और वो सबके बारे में सोचते हैं, उनको जैसा जब ठीक लगेगा, जो कॉम्बिनेशन ठीक लगेगा वो अपोनेंट को सरप्राइज भी कर सकते हैं और जो उनको कंडीशन ठीक लगेगी, जैसे अभी लास्ट सीरीज में लास्ट मैच में उनको ठीक लगा, उन्होंने मौका दे दिया, और आगे भी मेरे हाथ में ये है कि जब भी मौका मिले तो मैं अपनी पूरी एफर्ट दूँ। थैंक यू।